नवंबर एंडिंग चल रहा है तो सरसों का साथ मकई की रोटी भी सर्व करते हैं जो कि सीजनल है और जो कि बहुत ही बेस्ट आइटम है और यही सीजन में हम लोग सर्व करते हैं। स्वागत है चैनल में। आपने जो हम आपको सिमरत ढाबे का लोकेशन बता दें। ये है देखिए मसरूफ तरीन सड़क गोशामहल रोड बेगम बाजार की सड़क और सिमरत ढाबा फर्स्ट फ्लोर पे है। चलते हैं सिमरत ढाबा में। एक फूड लवर बैठे हुए हैं और क्या खा रहे हैं आप? अभी हम सरसों का साग और मकई की रोटी खा रहे हैं। अच्छा। और ये जो सरसों का साग है ये सिर्फ यहाँ पे स्पेशली विंटर में बनता है। अच्छा। नवंबर टू सिर्फ जैन तक रहती है और एकदम बेस्ट टेस्ट है इसका। मतलब सर्दियों में इससे खाने का मजा अलग ही है यहाँ पे। जी जी जी। वो मकई की रोटी का टेस्ट उसके साथ लगाने का तो टेस्ट एकदम ऑसम टेस्ट है। हम लोग मकई की रोटी और सरसों का साग। अरे वाह, मकई की रोटी और सरसों का साग बहुत ही स्पेशल डिश है। अच्छा अच्छा, अच्छा है इसका टेस्ट? अच्छा है, मतलब मैं ये पहली बार टेस्ट कर रही हूँ तो मेरे को ये टेस्ट मतलब कैसा रहता है ट्रेडिशनली नहीं पता है तो ये पहली बार है मेरा टेस्ट करना। ये शायद बहुत न्यूट्रिशियस फूड है। थैंक यू। टेस्ट शाही बिरयानी तो एकदम बहुत डाल देगी। शाही बिरयानी आप आगे देखो इसमें जो काजू भी है ना एकदम अलग टाइप का काजू है। खाया तो मुंबई से पानी दुकान तो मसाला भी इसके अंदर जबरदस्त है शाही बिरयानी में। और इसको अब ये और ये इंग्रेडिएंट है ग्रेवी, ग्रेवी के साथ खाना। अच्छा। ग्रेवी के साथ खाए तो और मज़ा आता है इसमें। और मैं यहाँ पे हमेशा आता हूँ, यहाँ पे हमेशा आता हूँ शाही बिरयानी पकी है। आप आके शाही बिरयानी खाता हूँ। शाही बिरयानी और ठंडियों में कभी भी आए तो सरसों का साग और शाही बिरयानी मेरा पक्का ही चाहिए। अच्छा लगते हैं यहाँ पर। और आपने मौत कहा है? मौत मौत डाल दे रही है आपने। हैदराबादी स्टाइल है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन माउथ वाटरिंग भी कह सकते हैं आप। माउथ ऑन माउथ वाटरिंग। होटल में मैं अभी से नहीं, मैं बहुत पहले से 5-6 साल हो गए मैं। अच्छा, सो यानी सीनियर कस्टमर। वो पुराना कस्टमर है भैया का मैं। जी जी। होटल तो एकदम मस्त है, खाना भी एकदम फर्स्ट क्लास खाना है। बहुत बहुत थैंक यू भैया। व्यूअर्स हमारे सामने सिमरत ढाबा के मालिक हैं। आइए उनसे हम कुछ डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। भाई आप अपना गुड नेम बताइए। मेरा नाम अरमान सिंह है। तो अरमान सिंह जी आपसे हम बल्कि हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं क्या आपका ये ढाबा कब कायम हुआ? ये 2000 में सर। अच्छा, यानी 22 साल हो गए। हाँ जी। आपके पास क्या क्या है आइटम्स? सर आपके पास देखिए नॉर्थ इंडियन, चाइनीज और हर चीज़ अवेलेबल है। और उसमें आप देखेंगे तो पनीर 65 स्टार्टर्स में मंचूरिया हो गया और जैसे नॉर्थ इंडियन मेन कोर्स में कीमा पनीर हो गया, तड़का पनीर हो गया और शाही पनीर, लच्छा पनीर और मलाई कोफ्ता, दाल तड़का और राइस वगैरह में अगर अपन लेंगे तो बिरयानी हो गया, फ्राइड राइस, जीरा राइस, ये सब मिलेगा आपको और भी बाकी बहुत आइटम्स हैं। जी जी। अच्छा रेट्स बताइए क्या हैं? सर रेट्स वगैरह देखिए पनीर 65 जो कि 200 है और शाही बिरयानी जो कि 240 है और दाल तड़का ले लेंगे तो 170, पनीर बटर मसाला 190, तड़का पनीर 240, कीमा पनीर 240। ये ढाबे के टाइमिंग्स क्या है? अपने टाइमिंग से देखिए जो आफ्टरनून 1 और रात तक 11:30। यहाँ का स्पेशल आइटम? यहाँ का स्पेशल आइटम देखेंगे तो सर आप कीमा पनीर जो कि यहाँ का बेस्ट सेलर है मेन कोर्स में और स्टार्टर्स में देखा जाए तो पनीर 65 और राइस में तो शाही बिरयानी जो कि बेस्ट सेलर है। रनिंग आइटम कौन सा आपका? ये रनिंग आइटम देखिए सर कीमा पनीर, तड़का पनीर तो ये तो रनिंग आइटम है। राइस में तो शाही बिरयानी कन्फर्म है और जैसा कि अभी ये नवंबर एंडिंग चल रहा है तो सरसों का साग मकई की रोटी भी सर्व करते हैं जो कि सीजनल है और जो कि बहुत ही बेस्ट आइटम है और यही सीजन में हम लोग सर्व करते हैं। ये लगभग अभी जनवरी या संक्रांति तक आपको मतलब मिलेगा। ये है देखिए
सिमरत ढाबे के स्पेशल आइटम्स जो बिल्कुल विशेष और मखसूस किस्म के हैं, उनके जिसमें जिनके अलग अलग आइटम हैं, यह है पनीर 65 और यह है पनीर खेमा और नाजरीन यह है बेबी नान। हम खाने से पहले बताते चले कि ये तमाम चीज़ें वेजिटेरियन है, शाही बिरयानी। तो नाजरीन हम हरियत का मज़ा देखेंगे और अपने मौजूद नाजरीन को बताएंगे। तो नाजरीन सबसे पहले हम देखते हैं पनीर 65। नाजरीन आपने तो कई लोगों ने आमतौर पर चिकन 65 कहा होगा, लेकिन ये पनीर 65 इसका मज़ा कैसा है देखते हैं। नाजरीन इस पनीर 65 का जायका यकीनन जबान से जब निकलता है तो एक ऐसा इम्पैक्ट देता है कि बस आप हमारा रुकने वाला नहीं है, आई एम गोइंग टू ईट बिकॉज दिस इज गिविंग ए वेरी ऑसम टेस्ट। नाजरीन इसमें पर्याप्त है और मसाले हैं, स्पाइसेस हैं और पनीर है। जब इन तमाम चीज़ों में इतना किया जाए तो बनता है पनीर 65। और नाजरीन इस तरह हमने ये पनीर के पीसेस खाए थे पनीर 65, आते ही एक लाजवाब सेंस पैदा हो रहा है और ऐसी कैफियत पैदा हो रही है कि बस सबसे मुनफरिद, सबसे अलग, आई एम टोटली डिफरेंट। अब ये नाजरीन पनीर खीमा, लेकिन नाजरीन खीमे का नाम सुनते हैं अब नॉन वेज हरगिज़ ना समझना, क्योंकि सारे आइटम वेज हैं। तेरे पनीर खीमा तो नाजरीन खीमे का मज़ा दुगना होता है जब हम इसे खाते हैं नान के साथ। और आई एम गोइंग टू ईट इन ए शॉर्ट वे फ्रॉम नाउ एंड आई विल गिव माय रिव्यू टू माय एस्टीम्ड व्यूअर्स। तो नाजरीन ये देखिए कितनी शानदार है, देखिए बेबी नान। नाजरीन आपको नान खाते होंगे लेकिन ये है बेबी नान। और कोरिएंडर है, पनीर है और मैदा है और ये बिल्कुल बनी है बेबी नान। वाह क्या बात है। और हम खाते हैं बीमा पनीर के साथ, ये रहा बीमा पनीर और ये रही बेबी नान। बहुत ही शानदार फ्लेवर है, देख सकते हैं आप। नाजरीन देखिए दोनों के मेकिंग में एक फर्क है और यही फर्क एक दूसरे को अंतर बनाता है। पनीर 65 का मज़ा एक अलग ढंग का था, बीमा पनीर और बेबी नान खाएं तो उसका मज़ा अलग है। तो कहने का मतलब सिमरत ढाबा बहुत ही वर्सेटाइल ढाबा है, यहाँ पर हम आसान की चीज़ें मिलती हैं। हरियत का फ्लेवर अलग, हरियत का मज़ा अलग, हरियत की मेकिंग अलग, लेकिन एक ही मकसद है लोगों को जायका पहुँचाना, मजा देना। प्रोवाइडिंग टेस्ट इज द सोल मोटो ऑफ दिस सिमरत ढाबा। अब हम चलते हैं शाही बिरयानी की तरफ। हमने खाई मुर्ग माही, मुर्ग का मतलब चिकन, माही का मतलब मछली, लेकिन ना ये मुर्ग है ना माही है बल्कि शाही बिरयानी है और ये भी वेज है। नाजरीन आ गई शाही बिरयानी और वाकई ये शाहाना इस लिहाज से भी है कि इसमें देखिए ड्राई फ्रूट्स हैं और कोरिएंडर है, पनीर है और पनीर की प्याज है, फ्राइड ऑनियंस है और हम देखते हैं इसका मजा। सिमरत ढाबा के आइटम के मामले में हम एकदम आना है क्योंकि हम जानते हैं बेहतरीन आइटम है और इनकी एक खास नौीयत है, बिरयानी भी इतनी उमदा है। और थोड़ा रायता और थोड़ा ग्रेवी भी लेते हैं
पहले ग्रेवी से काम चलाते हैं। सुपर। और गार्डन में हुए आइटम बिल्कुल सजे हुए और हर आइटम को खास एहतमाम के साथ, प्लानिंग के साथ और हेल्थ एंड हाइजीन को ध्यान में रखते हुए और लोगों की पसंद को ध्यान रखते हुए बनाया गया है। तो मैं कह सकता हूँ बिल्कुल दावे के साथ कि हर आइटम यहाँ का बहुत ही शाहाना, चाहे वो बेबी नान हो, पनीर 65 हो, या कीमा पनीर हो, या फिर शाही बिरयानी, अगर इनको पसंद करने में ताखिर हो तो समझे वो है नादानी, क्योंकि इसका खाने वाला जो भी होगा यकीनन मजे से हमकरार होगा, स्वाद के साथ उसका संबंध होगा। सो द टेस्ट विल जॉइन विद द पर्सन, फिल्ड वेजिटेबल्स कुक्ड इन प्रॉपर वे विद द स्पाइसेस एंड सिस्टमेटिक वे, सो वेरी फैंटास्टिक आइटम्स आर मेड विद बेबी नॉन और पीमा पनीर, पनीर 65 और शाही बिरयानी। एवरी आइटम इज वेरी 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 एक्सलेंट, हर आइटम एकदम बेहतर, हर आइटम की मेकिंग एकदम बर्तन और तमाम चीज़ें सेहतमंद होते हुए भी मज़ेदार, नॉट ओनली हेल्दी बट ऑल्सो टेस्टी। वो शानदार डिनर सिमरत ढाबे पर और ये तमाम आइटम्स लगता है कि ये जड़े हुए नगीने हैं, क्योंकि तो इसको खाने के जो मज़ा हम महसूस कर रहे हैं दिलो दिमाग पर हो रहा है। ये है पनीर 65, इसका रेट है 240 रुपये। पीमा पनीर इसका रेट है, इसका भी 240 रुपये। लेकिन हाँ नाजरीन, हमने ये भी खाई थी, ये 80 रुपये, यानी ये है 240 रुपये। नाजरीन बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, शाम का वक्त और आया था। नाजरीन हमने इसका मुशाहिदा किया, मालिक से बात की, लोगों का रिव्यू लिया और ख़ुद यहाँ का स्पेशल आइटम खाकर अपने जायके के तबसरे से हमारे नाजरीन को आगाह करने की कोशिश की। तो आपसे एक गुजारिश है, विनती है, अल्तमास है, हम्बल रिक्वेस्ट, जो लोग पहली बार ये चैनल देख रहे हैं बड़ा मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ बेल यानी घंटी के बटन को दबाएँ ताकि हमारा नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुदा सबको खुश रखे, खुदा हाफिज़, गुड बाय।